Let's learn about partner's capital account. Okay, there are two ways to make it. When fixed capital method is followed and when fluctuating capital method is followed. So, सबसे पहले बताओ कि fluctuating capital मतलब क्या? Fluctuating capital means the capital balance keeps on changing as the name suggests. Fluctuating, it'll keep on changing. So when you are maintaining capital under fluctuating capital method, then only one account is maintained. Remember this, this is very important. As the name suggests, एक ही account में बार बार change हो रहा है, plus minus हो रहा है, तो वो fluctuating capital method से आपने accounts रखे हैं. So only one account is maintained, that is use partner's capital account for the entries. So वो एक account कौन सा होगा? Partner's capital account. जितने भी पार्टनर्स हैं, से फॉर ए बी एंड सी, सो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उन सब के लिए. ओके, एंड व्हेन इट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड, मतलब एक जो कैपिटल है वो फिक्स रहती है, सो व्हेन देन यू विल हैव टू मेक टू अकाउंट्स. एंड व्हाट आर दीज टू अकाउंट्स? दीज टू अकाउंट्स इज, वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. And the other is partner's current account. So for the entries you will use partner's current account. Could be salary, commission, drawing, interest on drawing, and many more such adjustment you will use partner's current account. Now we will first understand कि partners capital account में क्या जाएगा, partners current account में क्या जाएगा if they are made separately under your fixed capital method, and if it is fluctuating capital method only one account has to be made, then partners capital account में क्या क्या entries जाती हैं. So let's start with fluctuating capital when only one account is maintained, partner's capital account. So partner's capital account under fluctuating capital method. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, सो सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल आप याद करो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में फर्स्ट आइटम कैपिटल होता है. लायबिलिटी साइड में जितने भी आइटम हैं ऑल हैव क्रेडिट, क्रेडिट गुड बैलेंस, एंड एसेट साइड में जितने भी आइटम हैं उनका डेबिट गुड बैलेंस होता है. सो हम क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल डालेंगे, दैट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर. वी आर मेकिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, नाउ व्हाट कैन बी इवेंट्स? द इवेंट्स कैन बी पार्टनर ब्रिंग्स फर्दर कैपिटल इन फॉर्म ऑफ कैश और थ्रू चेक. सो कैपिटल में ही और कैपिटल एड हो रहा है, सो जस्ट इसके नीचे यू विल राइट बाय कैश ऑब्लिक बैंक, एंड दिस इज योर फर्दर कैपिटल, एंड द एंट्री इज कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि पैसा आया है, सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट. ओके, नाउ सी व्हाट कैन हैपन, आइदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है, मींस पार्टनर इज इन्वेस्टिंग समथिंग इन द
द बिजनेस, उसका कैपिटल, उसने यदि कहीं बैंक अकाउंट में ही वो पैसा डिपॉजिट किया होता तो उसपे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसको इंटरेस्ट मिलता. नाउ द पार्टनर इज नॉट डिपॉजिटिंग इट एंड इन्वेस्टिंग इट इन द पार्टनरशिप बिजनेस. सो इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, द पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट विल अगेन बी इनकम एंड जो बैलेंस है उसमें एड होगा. सो अगेन ऑन द क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. वो मिला है पार्टनर को, सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ओके, व्हाट एल्स कैन यू थिंक द पार्टनर कैन रिसीव फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म? यदि वर्किंग पार्टनर है तो सैलरी मिलेगी, राइट? कुछ कमीशन मिल सकता है, कुछ काम किया उसका रेम्यूनरेशन मिल सकता है. सो थ्री मोर थिंग्स, सैलरी, रेम्यूनरेशन और कमीशन, जो भी पार्टनरशिप फर्म से मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रिसीव्ड फॉर द पार्टनर. सो क्रेडिट साइड में आ गया. नाउ मोर थिंग्स बाय सैलरी, रेम्यूनरेशन, और कमीशन. ओके, सो सैलरी, रेम्यूनरेशन या कमीशन रिसीव हुआ है पार्टनर को. सैलरी, रेम्यूनरेशन और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मीन वो उसके कैपिटल में एड होगा. ओके, सो दीज थिंग्स आर व्हाट द पार्टनर इज रिसीविंग, वेदर इट इज इंटरेस्ट और कैपिटल, सैलरी रिसीव्ड, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड और कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम द फर्म. ओके, व्हाट एल्स अ पार्टनर कैन रिसीव? जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, मीन्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज उसमें रीवैल्यू करके लिखे जाते हैं, तो उसका प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है. नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीवैल्यूएशन अकाउंट. सो इफ ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ असर्ट्स एंड लायबिलिटीज देर इज प्रॉफिट, देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो इफ इट इज प्रॉफिट, व्हाट यू विल यू राइट हियर? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. That is profit on revaluation. That is उसका शेयर, पार्टनर का शेयर जो है with partner share will be put here. Okay? Now these are the items that will be coming in your credit side. Now let's move on to the debit side. देखिए debit side में partner draw करके ले गया, withdraw किया कुछ amount business में से. So entry will be partner's capital account debit to drawings. So two drawings. This amount will be coming here. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स मीन्स हम क्या करें, कैपिटल जिसका जनरली क्रेडिट बैलेंस हो रहा है उसको डेबिट कर रहे, कम कर रहे. व्हाई आर वी रिड्यूसिंग इट? बिकॉज द पार्टनर हैज टेकन सम अमाउंट आउट ड्यू टू ड्रॉइंग्स. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स. ओके, नाउ द फर्म इज चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इफ इट इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड टू डिस्करेज द ड्रॉइंग्स. फॉर्म में से पैसा बाहर नहीं जाए इसलिए सभी पार्टनर्स एग्री करें. सो एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगाया जा सकता है. सो व्हाट विल बी द एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, यानी कि प्रॉफिट या लॉस निकाला उसके बाद
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस है इस बार, तो दैट विल बी बॉर्न बाय पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो इफ देयर इज लॉस इन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सो द एंट्री विल बी टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. In case of loss, it will be mentioned here in, and with the share of loss of partner. Okay. And the last thing for partner's capital account, opening balance was mentioned here. So closing balance on the reverse side, to balance. Carried down. This is your closing balance. Okay, and the total. So let's recap under fluctuating capital method. एक ही अकाउंट बनाएंगे क्योंकि उसी अकाउंट में फ्लक्चुएशन है, बार बार प्लस माइनस हो रहा है, सारे अमाउंट गिव के एक ही जगह आ रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. सो दिस इज फर्स्ट साइड, क्रेडिट साइड में आपका ओपनिंग बैलेंस. सो ओपनिंग बैलेंस पुट हियर, देन इफ फर्दर कैपिटल इज ब्रॉट, सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. सो टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में कभी टू पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिखते. सो बाय कैश और बैंक. थर्ड इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि पार्टनर को इफ द पार्टनरशिप डीड अलाउज इंटरेस्ट मिला, सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. देन पार्टनर रिसीव्स एनी सैलरी रेम्युनरेशन और कमीशन फॉर द फर्म फॉर द वर्क डन. ओके, सो बाय सैलरी रेम्युनरेशन और कम्युनिकेशन. देन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है, सो यू आर द पार्टनर इज रिसीविंग. So by P&L appropriation account, if there is profit, it will be recorded in the credit side. Now partner's capital account, debit side dekho, there will be drawings. So two drawings. Then to interest on drawings. Yadi bahar paisa leke ja raha hai drawings ke form mein, so opening balance mein se kam hoga. So opening balance credit hai, usme se kam karna hai, to obviously debit side mein aayega. So two drawings. To interest on drawings, this is also charged by the firm. So interest on drawings, then P&L appropriation account if there is loss on revaluation of the assets and liabilities, that is revaluation account ka loss. So share of loss of the partner, and then finally closing balance humko yahan par likhna hota hai. This is the method followed. Partner's capital single one account is made if fluctuating capital is there, means एक ही अकाउंट में change. Now move on, when there is fixed capital, तब आप क्या करेंगे? So fixed capital method. So please pay attention now. फिक्स ही हो गया कैपिटल, मतलब एक अकाउंट में ज्यादा एंट्रीज नहीं होगी, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक अकाउंट बना एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट दूसरा अकाउंट बना अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड. नाउ व्हाट विल यू राइट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओनली फोर एंट्रीज, रिमेम्बर ओनली फोर एंट्रीज इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज टू आर वेरी सिंपल, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, एंड द अदर टू आर इफ यू इंट्रोड्यूस एनी फर्दर कैपिटल दैट विल बी देयर, और इफ यू विदड्रॉ कैपिटल दैट विल बी देयर, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल फिनिश. सो लेट्स सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फर्स्ट. सो ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस. ओके, एंड देन
ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस टू योर डेबिट साइड. सो टू बैलेंस कैरी डाउन, दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस. ओके, विच विल बी मेंशनड हियर. सो टू एंट्रीज आउट ऑफ फोर इज ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस. ओके, नाउ इफ फर्दर कैपिटल इज इंट्रोड्यूस, से सिंपल मैथ्स यूज करो. इफ 10 इज योर ओरिजिनल कैपिटल एंड यू एड 4 एज फर्दर कैपिटल, सो दोनों को एक साइड में रखोगे तभी तो 10 + 4 = 14 आएगा. सो ओपनिंग कैपिटल के साइड में ही एडिशनल कैपिटल रखो तभी तो वो उसमें एड होगा. सो एट योर क्रेडिट साइड कैसे आएगा अंदर कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. सो योर एंट्री विल बी बाय कैश / बैंक एंड दिस इज फॉर न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. सो थर्ड एंट्री, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो बाय कैश और बैंक, एंड जस्ट रिवर्स ऑफ दिस इफ कैपिटल इज विड्रॉन, सो टू कैश और बैंक. व्हाई? बिकॉज कैपिटल इज विड्रॉन, सो कैपिटल विड्रॉन. अभी वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू नोट हियर इज देर इज डिफरेंस बिटवीन ड्रॉइंग एंड कैपिटल विड्रॉन. ड्रॉइंग इज टेम्पररी, कैपिटल विड्रॉन इज परमानेंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओनली परमानेंट चीज आती है अंडर योर फिक्स्ड कैपिटल मेथड. सो ओनली 4 थिंग्स, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड कैपिटल विड्रॉन, ओनली दीज 4 थिंग्स विल अपियर इन योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो वॉट अबाउट द पार्टनर्स करेंट अकाउंट? जो कुछ बचा कुचा सब करंट अकाउंट में ही जाएगा, एंड करंट अकाउंट का यदि ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिया हुआ है तो वो भी. ओके, सो पार्टनर्स करंट अकाउंट यदि बैलेंसेस दिए हैं तो ओपनिंग बैलेंस के लिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस, एंड इफ क्लोजिंग बैलेंस इज गिवन सो टू बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस. ओके, नाउ व्हाट फर्दर? सी वी हैड सीन कि पार्टनर कोई भी सैलरी रेम्युनरेशन और कमीशन मिला तो वो ओपनिंग कैपिटल में एड होना चाहिए. सो जस्ट इसके नीचे आएगा बाय सैलरी रेम्युनरेशन और कमीशन, दिस यू हैव रिसीव्ड. ओके, एंड इफ देयर इज एनी शेयर इन प्रॉफिट तो वो भी मिलेगा. सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट इज शेयर इन प्रॉफिट. ओके, इसके अलावा का क्या क्या चीजें होंगी? ड्रॉइंग्स यदि मेरा कैपिटल का बैलेंस कम कर रहा है सो इन योर पार्टनर्स करंट अकाउंट टू द डेबिट साइड टू ड्रॉइंग्स. ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वापस से अमाउंट को रिड्यूस ही कर रहा है, सो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. ओके, बिकॉज ये दोनों कैपिटल को कम करेंगे. ड्रॉइंग मीन्स पार्टनर पैसा बाहर लेके गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज अगेन चार्ज, सो ये दोनों लेस करेंगे. P&L अप्रोप्रिएशन का यदि लॉस है तो सो टू
P&L appropriation account. That is, यदि loss है तो भी वो debit में आएगा. If you have received interest on capital, so interest on capital मुझे मिला, मैं partner हूँ, मुझे मिला, so income, so opening balance में मुझे add करना पड़ेगा. So buy interest on capital. See, whatever things increase the value of your capital will come in the credit side, and whatever things decrease the value of the of your capital will come in the debit side. Okay, so simple funda and then the total. So fixed capital method में हम दो account बनाते हैं. Two accounts to be made under fixed capital method. First is your partner's capital account and second is your partner's current account. So under partner's capital account, only four entries: opening balance and closing balance, and if there is further capital introduced, so to the credit side, if capital is withdrawn, to the debit side. Now come up to the partner's current account, your opening balance and closing balance if it is given, and then any salary, remuneration or commission that will add up to the partner's capital account, and any interest on capital वो भी add होगा क्योंकि partner को मिल रहा है अपने investment पे interest, so add up to the partner's current account, and then profit and loss appropriation, share in profit, and now आपके debit side में क्या drawing will reduce the balance of partner's current account. So drawings to the debit, interest on drawing again expense to the debit, profit and loss appropriation account loss to the debit, and finally you get the closing balance.